भवानीखेड़ा क्षेत्र की भवानीखेड़ा बाढ़ नंबर 2 में सीवरेज व्यवस्था ठप होने के कारण स्थानीय बाढ़ वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठप सीवरेज व्यवस्था की समस्या के कारण उन्हें मकानों में नुकसान होने का डर बना हुआ है, तो वहीं स्थानीय बाढ़ वासियों को घरों में भी पानी के घुसने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायतें वे कई बार इकट्ठा होकर अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गलियों में और घरों में जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे बाढ़वासियों में काफी रोष बना हुआ है। कर लिया अपने, इस बार कर लिया, मैं तो दो तीन बार कर ली, एक बार और आए थे बिका था और सुनाई निकली थी हमारे घर पर, क्या पानी आ गया, कोई नहीं वो करता, सुना ये नहीं करते, पड़ेगा मेरा तो मैं गरीब आदमी हूँ, तो बरसात आ जाए सारा भर गया है, ये कितना देख लेते होता कितना। क्या नाम आपका? मेरा घर वाला का दलवीर है। मैं इसकी पानी की ज़्यादातर तो घरों में पानी की दिक्कत है, दो तीन गलियां हैं ये वार्ड नंबर 2 की, मेन बात तो इस पर बहुत ज़्यादा वो है, इस पानी पर अगर पब्लिक हेल्थ सुनवाई करे तो लोगों को निजात मिल सकती है। क्या कम से कम भी 2-3 साल से है ये समस्या, बारिश में तो और ज़्यादा गुड वो हो जाती है, जैसे पानी सप्लाई होता है तो उससे ही बन जाती है, सारे सीवर रुक जाते हैं। अब देखो कि अधिकारी नाम मात्र के विश्वास दे देते हैं कि यहाँ करवा देंगे, अधिकारियों के पास तो पता नहीं लेवर हैं या नहीं, बस ये पानी घरों में एक में नहीं घुसा, कई 3-4 गलियाँ हैं, इन 3-4